दोस्तों, यह है 30वीं सदी ईसा पूर्व में बसा कर्नाटक राज्य के कॉटन बॉल के नाम से प्रसिद्ध यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण रायचूर शहर, जो दक्कन के पठारी क्षेत्रों में समुद्र तल से 407 मीटर के एलिवेशन पर मौजूद है। 1956 में कर्नाटक राज्य का हिस्सा बना रायचूर इससे पहले हैदराबाद स्टेट का भाग हुआ करता था, जो अभी के समय रायचूर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीचों बीच बसा रायचूर राज्य की राजधानी बेंगलोर से 410 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, जो पुरालेखीय दृष्टिकोण से भी एक अत्यंत समृद्ध शहर है। यहाँ इस तरह मौर्य काल से लेकर मुस्लिम कालखंड के अंत तक के सैकड़ों शिलालेख पाए गए हैं, जिस पर अंकित शब्द संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़, तेलुगु, अरबी और फारसी भाषा में लिखे गए हैं। साथ ही इन शिलालेखों का संबंध दक्कन पर शासन करने वाले लगभग सभी राजवंशों से संबंधित है। यह सर अपने ऐतिहासिक भव्य रायचूर किले के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर मौजूद शिलालेख 1294 में काकतीय राजाओं के द्वारा इसके निर्माण का जिक्र करते हैं। अभी के समय में रायचूर शहर 8386 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ पर अभी वर्तमान समय में 21,97,303 लोगों की आबादी विभिन्न जाति धर्मों के निवास करती है। वहीं बात करें यहाँ के जनसंख्या घनत्व की, तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 228 लोगों का जनसंख्या घनत्व भी बनता है। रायचूर शहर मात्र 59.56% की साक्षरता दर के साथ कर्नाटक के दूसरे सबसे कम पढ़े लिखे लोगों वालों शहरों की सूची में शामिल है। साथ ही बात करें यहाँ के महिला पुरुष अनुपात की, तो यहाँ पर प्रत्येक 100 पुरुषों की गिनती पर कुल 95 महिलाएं ही पाई जाती है। धार्मिक जनगणना में भी रायचूर 57.61% की औसत प्रतिशतता के साथ एक हिंदू बहुल आबादी वाला इलाका है। वहीं इस्लाम धर्म यहाँ का दूसरा सबसे लोकप्रिय धर्म है और लगभग 39.87% लोग इस धर्म का पालन करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर 1.18% लोग क्रिश्चियन, 0.94% जैन, 0.08% बौद्ध और 0.29% लोग अन्य बाकी धर्मों का अनुसरण करने वाले लोग भी रहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार रायचूर शहर के सर्वाधिक लोग कन्नड़ भाषी है, जिसे 37% लोग अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। साथ ही यहाँ पर 29.87% लोग उर्दू भाषा, 25.71% तेलुगु और 7.32% में से हिंदी और अंग्रेजी जैसी अन्य भाषा का भी प्रयोग करने वाले लोग रहते हैं। इस नगर के पुराने इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है इस जिले का शुरुआती बागडोर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महान मौर्य राजा सम्राट अशोक के महामात्रों के शासन के अधीन था, जिसकी पुष्टि यहाँ पर पाए गए अशोक के 3 छोटे शिलालेखों से होती है, जिनमें से एक लिंगसुगुर तालुक के मस्की गांव में और अन्य 2 कोपल के पास मौजूद है। इसके बाद भी यह नगर बारी बारी से अनेकों शक्तिशाली साम्राज्यों के अंतर्गत आया, जिसके क्रमवार सूची में पहले सातवाहन वंश, वाकटक, बादामी के चालुक्य, राजपूत, बामनी सल्तनत, काकतीय राजा, विजयनगर अंपायर, आदिल शाही और हैदराबाद के निजाम आते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह मौजूद रायचूर किले का निर्माण भी इसी बीच 1294 ईस्वी में रानी रुद्रमा देवी के आदेश पर राजा विट्ठल ने करवाया था, जिसके पतन के बाद यह विजयनगर साम्राज्य के अधीन हो गया था। अभी वर्तमान समय में रायचूर शहर में मौर्यन काल से लेकर मुस्लिम कालखंड के बीच तक के यहाँ पर सैकड़ों शिलालेख मौजूद है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मास्की, कोप्पल, कुकनूर, हट्टी गोल्ड माइंस, मुद्दल और लिंगसुगुर आता है। शहर के भौगोलिक स्थिति पर गौर करें तो यह शहर राज्य के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, जो उत्तर में यादगीर, उत्तर पश्चिम में बीजापुर और बागलकोट, पश्चिम में कोप्पल और दक्षिण में बेलारी जैसे कर्नाटकी शहरों से घिरा है। इसके अलावा भी यह शहर आंध्र प्रदेश के कुरनूल और तेलंगाना के जोगुलम्बा गढ़वाल जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ की शहरी अर्थव्यवस्था के लिए इस शहर के शक्ति नगर और 11 मार्च में 2 थर्मल पावर स्टेशन बनाए गए, जो इस जिले के साथ साथ कर्नाटक राज्य के लिए भी बिजली उत्पादन का कार्य करता है। साथ ही यह जिला भारत में सोना उत्पादित करने वाले चुनिंदा शहरों में से एक माना जाता है। रायचूर शहर अपने कृषि कार्यों में धान की खेती, चावल, गन्ना और कपास का एक बहुत बड़ा व्यापारिक स्थल है, जहाँ के चावल और कपास सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विभिन्न विभिन्न देशों तक भी निर्यात किए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं रायचूर शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इस शहर में कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा हवाई अड्डा मौजूद है, जो सार्वजनिक तौर पर यहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान करता है। इस हवाई पट्टी का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी में करवाया गया था, जहाँ पर 26 फरवरी 1957 को भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विमान WIP IL-14 के इंजन में आग लगने के बाद यहाँ पर एक ऐतिहासिक लैंडिंग करवाई गई थी, जिसके लिए इस विमान के पायलट आर ए रूफस को सेवा के प्रति उनकी सूझबूझ और समर्पण के लिए उन्हें अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। मौजूदा रायचूर हवाई अड्डे को मई 2021 में KSIDC के अनुरोध पर इसे अपग्रेड करने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके लिए कुल 402 एकड़ की जमीन प्रस्तावित की गई है, जहाँ पर कुल 1800 मीटर लंबे रनवे का निर्माण किया जाएगा। तो आइए अंत में जानते हैं रायचूर शहर के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस शहर में आप रायचूर फोर्ट, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, मलियाबाद, बालाहिसार, कल्लूर गांव, नादरगढ़े मंदिर, जामी मस्जिद, एक मीनार मस्जिद, मुद्दल किला, लुंगसुगुर, अशोक शिलालेख, जल दुर्गा फोर्ट, अंबा मठ, हट्टी गोल्ड माइंस, गुंडलवदी झरना, एनेगुंडी विलेज और देव दुर्गा के 500 साल पुराने बाओबाब के पेड़ को देखने जा सकते हैं, जो आमतौर पर अफ्रीका के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में पाया जाता है। तो फिलहाल रायचूर शहर की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।